वेलकम टू मैडिंग स्टडी। आज की इस वीडियो में हम लोग सिंप्लीफिकेशन करना सीखेंगे, यानी कि सरलीकरण। दोस्तों, सरलीकरण का मतलब होता है किसी भी संख्या को आसान रूप में लिखना, ठीक है, यानी कि भिन्न में या फिर संख्यात्मक रूप में लिखना। तो उसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले बोर्ड मास का रूल का आना बहुत ज़रूरी है। बोर्ड मास यानी कि BODMAS, बी फॉर ब्रैकेट। ब्रैकेट दोस्तों तीन तरह का होता है। उसके बाद ऑफ यानी कि का, जिसको हम लोग क्या करते हैं, ये जो होता है ये गुणा होता है, ठीक है ना, का के रूप में ये जो फंक्शन है ये दोस्तों गुणा की तरह काम करता है का। उसके बाद डी फॉर डिवाइड यानी के भाग। उसके बाद एम फॉर क्या है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लिकेशन है, गुणा। उसके बाद ए फॉर एडिशन, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन एस फॉर। इसको याद रखने का दोस्तों देहाती तरीका है का क्रिया भाग गुणा, ठीक है। का क्रिया सबसे पहले करना है, ठीक है, जहां पे का होगा उसको गुणा कर देना है। उसके बाद का क्रिया भाग गुणा, भाग गुणा, उसके पीछे जोड़ घटाओ, ठीक है। का क्रिया भाग गुणा, उसके पीछे जोड़ घटाओ। इस ट्रिक को हम लोग याद रखेंगे। और यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो तीनों ब्रैकेट है इसमें सबसे छोटे ब्रैकेट ये है, उसके बाद मंझला ब्रैकेट ये है, और ये बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को छोटे ब्रैकेट से चलना है, फिर मंझले, फिर बड़े की ओर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको रूल को लगाएंगे, हमारा आंसर काफ़ी यहाँ पर अच्छा आएगा। देखिए कैसे आएगा, आप यहाँ पर देखिए 5 है, 6 है, और यहाँ पर 6 और 3 है। तो यहाँ पर 6 और 3 में रिलेशन क्या है कि यहाँ पर भाग देना और यहाँ पर माइनस करना है। तो कन्फ्यूज़न ये होती है कि हम लोग पहले क्या करें, पहले भाग लगाएं या फिर पहले घटाएं। तो इसी के जरिए से हम लोग समझेंगे बोर्ड मास के जरिए से कि सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है 3। तो यहाँ पर 3 है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर ऑफ यानी कि का है क्या यहाँ पर कहीं पे। तो का दोस्तों यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। तो दोस्तों जब का नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर डिवाइड, तो डिवाइड यहाँ पर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 3 को एज इट इज़ यहाँ पर रहने देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने लिख दिया 3, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 3। माइनस है तो माइनस दे देंगे। उसके बाद छोटे ब्रैकेट में सबसे पहले हम लोगों को वर्क करना है ब्रैकेट। 5 है तो 5 भी लिख देंगे, क्योंकि हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, भाग करना है। ये दोस्तों मैंने यहाँ पर 5 को लिख दिया, माइनस है माइनस। उसके बाद देखिए इन दोनों में हम लोगों को वर्क करना है। तो 6 में अगर 3 से भाग लगाएंगे तो दोस्तों क्या होगा, 3 का पहाड़ा कितने बार पड़ेंगे कि 6 आए, 3 एकम 3, 3 2 6, यानी कि 2 दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर लिखना होगा। और इस तरीके से ब्रैकेट को क्या करना होगा, घेर देना होगा। हो गया ना। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर इस तरीके से निशान देते चलेंगे, 3 है तो हम लोग यहाँ पर दोस्तों 3 को लिख देंगे। उसके बाद माइनस है तो माइनस भी रहने देंगे। अब बताइए कि 5 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो एक अंक बच गया, यानी कि ब्रैकेट का काम हो गया दोस्तों ख़त्म, ठीक है। ब्रैकेट का दोस्तों काम यहाँ पर ख़त्म हो गया। और अब देखिए बराबर का निशान लगाएंगे, अब 3 में से 3 को घटाएंगे, ये भी प्लस में है और ये माइनस में है, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 3 यहाँ पर क्या है, 3 यहाँ पर है दोस्तों माइनस में, ठीक है। तो ये घट जाएगा, 3 में से 3 जाएगा तो ये क्या हो गया, 0। तो हमारा आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है 0, ठीक है। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। तो यहाँ पर भी हम लोग रूल लगाएंगे, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ब्रैकेट देखना है, ऑफ देखना है, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर हम लोग को क्या करना है, आना है। तो देख सकते हैं हम लोगों को सबसे पहले ब्रैकेट यहाँ पर देखिए यहाँ पर है, और उसके बाद मल्टीप्लाई है, ठीक है, ऑफ तो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, उसके बाद यहाँ पर जोड़ है और घटाव है। तो आइए दोस्तों इसको बनाएंगे हम लोग। इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इस तरीके से लगाएंगे निशान, और उसके बाद देखिए ये -25 है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, -25 ही रहने देंगे। ये हो गया हमारा -25। उसके बाद दोस्तों प्लस में क्या है, यहाँ पर 14 है, 14 है, मैंने इसको भी लिख दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए भाग का निशान है, तो भाग का निशान भी देंगे। अब देखिए 5 में से 3 को घटाएंगे, ठीक है। ब्रैकेट में कभी भी एक संख्या नहीं रह सकती है, 2 संख्या है तो ब्रैकेट का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। अगर एक संख्या रहेगी तो ब्रैकेट ऑटोमेटिक यहाँ से हट जाएगा, यानी कि 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो 2 के लिए तो ब्रैकेट लिखने की ज़रूरत नहीं, यानी कि दोस्तों ब्रैकेट का काम यहां पर हो गया खत्म। अब उसके बाद देखिए फिर से नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये है -25। अब देखिए 14 में अगर इस वाले 14 में अगर 2 से भाग लगाएंगे, यानी कि 14 कितने बार में आएगा, 2 के पारा में, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14। तो ये क्या है दोस्तों, प्लस है तो प्लस भी दे देंगे। और इतने के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं 7, ठीक है।
इतने संख्या के बदले हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर सात लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप है प्लस वाले को क्या करेंगे, इस तरफ कर लीजिए, ठीक है। आपके आसानी के लिए बता रहा हूँ, तो ये प्लस सात जो है वो आ जाएगा इधर और ये माइनस 25 इधर आ जाएगा। अब देखिए आप हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस मिलकर दोस्तों क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस को जब मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर घटाना है। तो सात में से 25 को तो घटा नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर सात क्या करेगा, कर्ज मांगेगा। कितना कर्ज मांगेगा कैसे पता चलेगा देखते हैं। इसके बाद 25 है, 25 में से सात को घटा दीजिए तो दोस्तों 18 आएगा, यानी कि सात 18 कर्ज लेगा तभी 25 को ये 25 रुपये दे सकता है, इसका मतलब ये है। यानी कि ये क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस 25 है, तो ये यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यानी कि दोस्तों माइनस 18 हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, चलिए तीसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना है, यहाँ पर दोस्तों बड़ा ब्रैकेट है, मंझला है और छोटा, यहाँ पर तीनों ब्रैकेट का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर बस नहीं है तो क्या है, ये वाला का यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले डिवाइड वाला, यानी कि सबसे पहले हम लोग को छोटे ब्रैकेट में देखना है, उसमें जो भी हो हम लोगों को क्या करना है, कर देना है। तो आइए चलिए यहाँ पर हम लोग बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों 45 है, तो हम लोग क्या करेंगे 45 को एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे, ये हो गया हमारा 45, ठीक है। माइनस है, माइनस देंगे, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट है इसको देंगे 38 है, ये है माइनस, उसके बाद मंझला ब्रैकेट के बाद है 60 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, माइनस है। अब देखिए छोटे ब्रैकेट में हम लोगों को यहाँ पर क्या काम करना है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 6, ठीक है, तो 9 में से 3 को भाग लगाना है, 9 में 3 को भाग लगाएंगे, यानी कि 3 का पारा में 9 कितने बार में आएगा, कितने बार में आएगा, 3 गम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, माइनस है दे देंगे माइनस, 3 के पारा में 9 आएगा 3 बार में, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर भाग है, भाग देंगे और ये हो गया दोस्तों हमारा 3, और उसके बाद ये हो गया हमारा बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये है दोस्तों 45, उसके बाद ये है माइनस, माइनस दे दिया, फिर है बड़ा ब्रैकेट 38, उसके बाद है माइनस मंझला ब्रैकेट, उसके बाद है दोस्तों 60 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, इतने तक पहुंच गए। उसके बाद माइनस है तो माइनस भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर दे देंगे। अब देखिए इस वाले इतना का हम लोग क्या करेंगे, 6 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 3 आएगा, तो 3 तो एक ब्रैकेट के अंदर रहेगा नहीं, तो ये 3 जो है वो दोस्तों यहाँ पर आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद डिवाइड है यहाँ पर कितने से, 3 से, उसके बाद यहाँ पर मंझला ब्रैकेट है, छोटे ब्रैकेट का काम हम लोगों ने ख़त्म कर दिया, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट हम लोगों ने यहाँ पर दे दिया। उसके बाद देखिए फिर से नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, यह है दोस्तों 45 माइनस ये क्या हो जाएगा 38, ठीक है, उसके बाद माइनस ये हो गया मंझला ब्रैकेट 60 है, हम लोग क्या करेंगे 60 यहाँ पर दे देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट भाग लगा सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि भाग लगाना है, फिर गुना, फिर जोड़, उसके बाद फिर घटाओ। तो बताइए 60 में अगर हम लोग दोस्तों यहाँ पर भाग लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 60 में अगर 3 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, माइनस है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर माइनस दे देंगे। उसके बाद देखिए 3 के पहरा में 3 कितने बार में आता है, तो एक बार में आता है, तो एक ये हो जाएगा। उसके बाद मंझला ब्रैकेट देंगे, उसके बाद फिर फर्दर बड़ा ब्रैकेट दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर से नेक्स्ट स्टेप में आएंगे और यहाँ पर ये हो गया दोस्तों 45 माइनस, उसके बाद ये बड़ी ब्रैकेट यहाँ पर है, उसके बाद ये है 38, ठीक है, मैंने दे दिया माइनस है, माइनस भी मैंने दे दिया। अब देखिए यहाँ पर ये 20 में से अगर हम लोग 1 को माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर फिर से नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, ये हो गया हमारा 45, उसके बाद देखिए ये माइनस है, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस को यहाँ पर दे देंगे। अब उसके बाद 38 में से अगर दोस्तों 90 अगर घटाएंगे तो देखिए 18 में से 9 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9, और उसके बाद 2 में से 1 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 में से 1 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1, यानी कि 38 में से 19 घटाने पे 19 ही आएगा, ठीक है, इतना तो हम लोगों ने समझ लिया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर इक्वल टू यहाँ पर देंगे, उसके बाद देखिए 45, तो 45 में से दोस्तों 19 को घटाना है, ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम लोग घटा लेते हैं, 45 है और ये क्या है 19 है, घटाना है, तो ये हासिल देगा 15 में से 9 जाएगा तो दोस्तों ये हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 3 हो गया, 3 में से 1 को घटाएंगे, ये हो गया 2, यानी कि दोस्तों हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा 26,
तो दोस्तों देखा आपने कितने आसान तरीके से हम लोगों ने बोर्ड मास रूल के ज़रिए से हम लोगों ने आंसर को यहाँ पर ले आए। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर से कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को तो दोस्तों लाइक ज़रूर से कीजिएगा, और दोस्तों चैनल को तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।